जिन्नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश हरिष्ठपुरम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमनित्यानंद प्रभु की जय। श्री अद्वैत प्रभु की जय। श्री गदाधर प्राणनाथ की जय। श्रीवास पंडित की जय। शकल आचार चरण की जय। ब्रज रानी राधा रानी की जय। श्री लाडली लाल की जय। श्री गिरिंद बिहारी बिहारिणी सरकार की जय। श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि। पुष्पांजलि श्लोक संख्या 99। क्षणमपि तव संगम न त्यजे देव देवी त्वमसि समवयस्या नर्म भूमिर्जदस्या। इति सुमुखि विशाखे दर्शयित्वा मदीशां मम विरहताया प्राणरक्षां कुरुष्व। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का विरह की चरमावस्था प्राप्त कर चुके हैं। कल कुंड से प्रार्थना किए कि हे राधा कुंड, हमको आप प्रिया जी का दर्शन करा दीजिए। आज किशोरी जी की सखी विशाखा जी से प्रार्थना करें। विशाखा जी किशोरी जी की बिल्कुल अतरंग सखी। तो विशाखा सखी तो कह रहे हैं कि हे सुमुखी विशाखे, आप प्रिया जी की अतरंग सखी हैं। किशोरी जी चाह कर भी आपका संग नहीं छोड़ पाती हैं। क्षणम अपि तव संगम न त्यजे। क्षणम अपि, एक क्षण के लिए भी आपका संग नहीं छोड़ पाती हैं प्रिया जी। क्योंकि जत जस्मात् सम व्यस्त, आपकी अवस्था और प्रिया जी की अवस्था ठीक एक ही समय। विशाखा सखी का जन्म राधाष्टमी के ही हुआ। राधा रानी और विशाखा सखी का एक दिन ही हुआ। तुम अस्या नर्म भूमि ऐसी, अपने हृदय की बात यदि किसी से कहना चाहती हैं तो सबसे पहले विशाखा से ही। इति हेतु, इसलिए हे विशाखा, मदीशां दर्शयित्वा
आप कृपा करके प्रिया जी का एक बार दर्शन करा के विरह हटाया मम प्राण रक्षां कुरुष्वा। मैं प्रिया जी के विरह में बिल्कुल मर चुकी हूँ, अब केवल शरीर मात्र है, उनके विरह में हमारा प्राण निकलने वाला है, तो मत प्राण रक्षा, हमारे प्राण की रक्षा पुरुष कर। अब हम प्रिया जी के बिना रह सकते हैं। राधा विरह में श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी का हृदय प्राण कंठ तक आ गया है। अब उनसे विरह नहीं सह जा रहा है। पहले तो कुंड की महिमा गाए कि हे कुंड, आप प्रियालाल के प्रिय स्थान है, आप पर प्रिया जी का उद्दीपन भाव प्रकट करता है, आप मुझको इसी मुहूर्त दर्शन करा दीजिए, इस देह में प्राण अब और टिकने वाला नहीं है। ऐसा कहते कहते उनके आंख से आंसू इतने गिरे कि बिल्कुल इनके वक्ष को भिगो दिया। इस भयंकर विरह की अवस्था में तड़प रहे हैं, तब तक उनके कान में पद किंकिनी की आवाज है, नुपुर ध्वनि आया। तो नुपुर ध्वनि आया तो ऐसे मानो कह रहे हैं, ऐसे लगा कि कोई कह रहा है कि अरे तुम क्यों विलाप कर रही हो, आंखें खोलो तो सही, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुलसी विशाखा की तनुगत है। प्रिया जी की दो महत्वपूर्ण सखियां हैं, एक ललिता जी और एक विशाखा जी, जो गौर रूप में राय रमानंद और स्वरूप दापक। प्रिया जी जब विरहाकुल होती हैं तो उनकी प्राण की रक्षा करने के लिए विशाखा और ललिता ये दो सखियां काम करती हैं, इसीलिए गंभीरा में दो सखियों का प्रवेश था, स्वरूप दामोदर और राय रमानंद, इससे महाप्रभु की अतरंग थे। तो उसी से कह रहे हैं कि हे सुमुखी, मैं जानती हूँ तुम आप प्रिया जी की समकक्ष हो, उनके हृदय में कोई भी इच्छा प्रकट होती है तो सर्वप्रथम तुमसे ही कहती है, तुम्हारा भाव नाम गुण इत्यादि सब प्रिया जी से मिलता जुलता है। राधा रानी की एक एक मनोभाव को तुम जानती हो, लेकिन विशाखा जी थोड़ा थोड़ा ललिता सखी से डरती है, एक प्रखरा नायिका है ललिता सखी, वो प्यारे श्याम सुंदर को भी डांटती हैं, प्रिया जी को भी डांटती हैं, सखियों को भी समझाती हैं ललिता जी, लेकिन विशाखा जी का थोड़ा मृदु भाव। जब प्रिया जी कभी कभी बिल्कुल सीरियस हो जाती हैं, गंभीर अवस्था आ जाता है, तो उस समय विशाखा सखी उनको मजाक करके हंसाती है, ये सखियों का काम है। प्रिया जी का कब कौन सा अवस्था आएगा ये तो कुछ पता नहीं, क्षण क्षण में भाव बदलता रहता है। तीन अवस्था हमेशा रहता था, भाव, भाव संधि और भाव सावल्य, अंतर दशा, बाह्य दशा और अंतर बाह्य दशा, एक किशोरी जी की अवस्था। कभी कभी भाव साबल्य होता है, एक भाव के ऊपर, जैसे समुद्र में तरंग हमेशा चलता रहता है, एक तरंग के बाद दूसरा दूसरा के बाद बार बार तरंग चलता रहता है, ठीक उसी तरह प्रिया जी की हृदय में प्यारे श्याम सुंदर के लिए भाव साबल्य। जैसे श्री गौरांग महाप्रभु गंभीरा में उनको भाव सावल है, भाव संधि अंतर दशा बाह्य दशा अंतर बाह्य दशा, कभी दो दो भावों की मिलन होता है, कभी भाव समुद्र जैसा बढ़ता रहता है,
तो विशाखा नर्म सखी न सुखिता तद गदात्मिका, तद गदात्मिका प्रिया जी के ही स्वरूप का चिंतन करने वाली, प्रिया जी के ही उन्मुख रहने वाले वो विशाखा सखी से इस प्रकार प्रार्थना कर रही है। विशाखा जी प्यारे श्याम सुंदर को भी परिहास करके और प्यारे किशोरी जी को भी परिहास करके हमेशा मंद मंद हंसाती रहती हैं, और खास करके आठों सखियों में सबसे तीक्ष्ण बुद्धि विशाखा सखी, सब ये सखियां साधारण नहीं है। ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चल्पकुत्था, रंगदेवी, सुदेवी, ये अष्टमहा सखी है, समुद्र है, अनंत अनंत ब्रह्माणी, पार्वती, सरस्वती, उन सखियों के नखचंद्र से डरती रहती है, साक्षात प्रिया जी की सखियों से डरती रहती है। सखियों सखियां ही लीला को संपादन करती हैं और फिर वही आस्वादन करती है, लीला का विस्तारक भी है और आस्वादक भी सखियां हैं। सखियों के बिना प्रिया जी की कोई लीला पुष्ट नहीं होती, तो ये सखियाँ किशोरी जी की जो हैं, खास करके ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, तो ये सरस्वती भी जिनसे निकलती है, सरस्वती का क्या विशाखा इत्यादि सखी, और खास करके रहा एकांतिक लीला जो करना है तो उसको इसका इंचार्ज है विशाखा सखी। कभी कभी प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए उत्कंठा उठती है, क्या करूं, कौन सा उपाय करूं, तो ललिता सखी से कहती है, अरे विशाखा सखी से तुम जाकर कहती। श्री राधा ने विशाखा सखी से कहा कि हे विशाखे, तुम हमारे बाहरी प्राण, दो प्राण है, एक अंदर प्राण रहता है और एक बाहर प्राण, तो हमारी बाहरी प्राण तुम हो और तुम सब कला में दक्ष हो, खास करके तुझमें वाक पटुता है, अपने वाणी से किसी को भी मोहित कर लेती है। सत्य पूछा जाए तो मुझसे थोड़ा सा भी तुम कम नहीं। श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी उद्धव जी से कहे, हमें थोड़ा सा भी तुम कम नहीं, जैसा मैं हूं वैसा ही तुम, किसी भी तरह तुम आज माधव को हमारे पास ला दो, प्यारे श्याम सुंदर को ला दो किसी तरह, लेकिन ऐसा मत कहना कि मैं बुला रही हूँ। भागवत के टीका में श्रील चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि जब अष्ट महिषियाँ कुरुक्षेत्र में मिलती हैं 16108 और द्रौपदी जी से बात करती हैं, तो सब महिषियाँ केवल यही कहती हैं कि रुक्मिणी महारानी कहती हैं कि भगवान श्री हमारे पति श्री कृष्ण ने बड़े बड़े राजाओं के अहंकार को हतप्रभ करके हमको खींच लाए, हमको ला दी, जैसे सिंह खींच लाता है अपने, उसी तरह ठाकुर जी हमको खींच लाए। वो कहती है कि सात बैल को, कोई कहती है कालिंदी कहती है कि हमको ला दिए, ये कोई अपना कमजोरी नहीं कहता, ये नहीं कहता रुक्मिणी, ये नहीं कहे कि हम पहले हम चिट्ठी लिखी उनके पास, ये कृष्ण का ही कहती, कृष्ण ही हमको ला, कृष्ण ने सात बैल को, वो लोग सब पहले ही तपस्या करके प्रभु को पति रूप में प्राप्त करने की तपस्या की। नारद जी के मुख से सुन करके रुक्मिणी महारानी के हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की उत्कट अभिलाषा हुई और उन्होंने भेजा ब्राह्मण को, लेकिन कहते हैं कि श्री कृष्ण ही हमको ला दे। इस ऐसे करने से क्या होगा, तो भाव बढ़ता है, नायिका दो पक्ष है, नायक और नायिका, तो नायक मनावे और नायिका उसको प्रताड़ना करे तो भाव बढ़ता है, और नायिका ही पीछे पड़े रहे तो उस रस का उत्पत्ति नहीं होता। तो इस कला में पंडित कौन है, तो विशाखा सखी। तो प्रिया जी कहती हैं कि तुम जाओ
और जाकर के किसी भी तरह पुष्प चयन के बहाने जाकर के तुम हमारा गुण गान गाना, शायद उसे कहीं कृष्ण आकृष्ट हो जाए और तुम अपने ऊपर रहना। इच्छा है प्रिया जी को मिलने की और प्यारे श्याम सुंदर यदि कहें किसकी तुम वर्णन कर रही हो तो तुम उन्हें बताना नहीं, जितना इग्नोर कर जितना इसे डांटोगे उतना और उत्कंठा बढ़ेगी। भावम न जाना विलासिणी नाम गोपाल पालन पंडित हो सके। अरे कृष्ण तुम गाय चराने में ही पंडित है, विलासिनी स्त्रियों के विषय में तुम नहीं जानते। भावम न जाना विलासिणी, तो विशाखा सखी गई और जा करके प्रिया जी के रूप गुण का वर्णन करने लगे। हमारा रूप गुण यदि तुम वर्णन करेगी तो निश्चित प्यारे श्याम सुंदर मुग्ध होकर के कहेंगे तुम किसकी वर्णन कर रही है, तो तुम बताना नहीं मैं किसकी वर्णन कर रही हूँ। ये वर्णन कर दिया विशाखा सखी कृष्ण के पास जा करके प्रिया जी के एक एक रूप का वर्णन करती है, किसी नायिका का वर्णन करती है। विद्यापति जी लिखते हैं विशाखा सखी पुष्प चयन के बहाने गाती है प्रिया जी के गुण। माधव की कहब सुंदरी रूपे, वो खुद चयन कर रही है और गीत गा रही है और किशोरी अरे वहां पर प्यारे श्याम सुंदर हैं और गीत गाते गाते पुष्प चयन कर रही है। माधव कहते हैं दो वो है मधु और माधव, चैत वैशाख तो वसंत ऋतु में पुष्प प्रफुल्लित खुल खिलते पुष्प चयन, तो माधव कृष्ण को नहीं कह रही विशाखा सखी, विशाखा सखी कह रही है बसंत ऋतु को। माधव की कहब सुंदरी रूपे, कतक जतन बिहि आनि शवारल, देखल नयन सरूपे। वो गीत गा रही है अरे माधव अरे बसंत, आज मुझको एक बहुत आश्चर्यजनक घटना घटी। मैं पुष्प चयन करते समय एक अद्भुत देखा, एक अद्भुत रूप का दर्शन किया। न जाने विधाता ने कौन कौन सामग्री इकट्ठा करके उस रूप का निर्माण किया है। कतिको जतन विहि आनि समारल देखल नयन स्वरूप, लगता है कि विधाता का जितनी कारीगरी है वो सब एक रूप को निर्माण करने में ही लगा दिया। कैसा रूप है पल्लव राज चरण जुग शोभित, उसका चरण देखने से लगता है कि साक्षात कमल ही चल रहा है, कमल का चरण ही है, कोमल लाल लाल चरण उत्पल। पल्लव राज चरण जुग शोभित, प्रिया जी का चाल देख रहे प्यारे श्याम सुंदर के हृदय में उद्दीपन, ऐसी स्त्री ऐसी नारी इस पृथ्वी पर मैं देखा, उसका चरण लग रहा था कि कमल का पुष्प है। और जब वो चली तो ऐसा लगा गति गज राज भावी चाल गज गामिनी, प्रिया जी का लगता है जगत में कोई चिंता नहीं, ऐसी झूम करके किशोरी जी का चाल देखी। विशाखा सखी वर्णन कर रहे पल्लव राज चरण जुग शोभित,
गति गजराज भाने। जब चली तो मैं उसका पैर देखा, उसका पैर कैसा है, कनक कदली पर घस मारल, सोना का केला का पेड़ वैसा जाम है। प्रिया जी का जाम कैसा है तो स्वर्ण कदली की समान, ऐसा स्वर्ण कदली के समान उनकी जांग है, उनके जांग के ऊपर सिंह है। कमर पतला अच्छा होता है तो कमरी पतल पतली कमर है, अर्थात केहरी कटी केहरी, सिंह के समान उनकी केहरी है, कटी प्रदेश है। कनक कदली पर सिंह समाध, तापर मेरु समाध, ये जाग हो गया। कनक कदली स्वर्ण का केला का स्तंभ और उसके ऊपर सिंह है पतला कमर, और सिंह के ऊपर क्या है, तापर मेरु समाध। कमर के ऊपर जो वक्षस्थल है वो लगता है मेरु पर्वत, मेरु पर्वत जैसा लगता है। अब मेरो ऊपर दुई फूल फूलायल, मेरु के ऊपर दो पुष्प खिला हुआ है, कुछ कमल कुछ कलश। मेरु ऊपर दुई कमल फूलायल, नाल बिना रुचि पाई। वो दो कमल का पुष्प खिला है लेकिन पुष्प पे तो डंठल होता है, कमल के फूल में डंठल रहता है तब खिलता है, और डंठल यदि कट जाए तो मुरझा जाता है, लेकिन वो पुष्प मुरझा नहीं रहा है। क्यों नहीं मुरझा रहा है, तुमनिमय हार धार बहु सुर सरी। प्रिया जी के गले में जो मणिमय हार है वो हार नहीं है, साक्षात गंगा जी बह रहे, और गंगा जी के स्पर्श पाने के चलते तब नहीं कमल सुखाई, इसलिए वो कमल का फूल सुख नहीं रहा। अब मैं देखा ऊपर गया तो उनके अधर देखा, अधर बिंब सन बिंबा फल जैसा लाल लाल अधर है। दसन दाढ़ी में बीजू, दसन कैसा है, अनार का बीज जैसे। अनार का बीज कब होता है, जब दांत में पान खाते हैं, लालिमा युक्त जब दांत होता है तब गाड़ी से उदाहरण दिए देते हैं, अनार जैसा, अनार के बीज जैसे दांत। लेकिन मैं उनके श्री मुख पर एक अद्भुत चीज देखा, रवि शिवग ठीक पास, मैं देखा चंद्रमा और सूर्य दोनों उगे हुए। चंद्रमा क्या है, मुखचंद्र, और उस पर लाल लाल जो तिलक है वो सूर्य। उप्रिया जी के मुख पर ऐसा है, लेकिन सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ है। राहु दूर बसी नियर न आवथी, जब सूर्य चंद्रमा एक नक्षत्र पर आते हैं तो ग्रहण नहीं लगता है, राहु कुछ नहीं कर पाता। राहु क्या है, प्रिया जी का केश पास, काला काला केश पास, लेकिन वहां नहीं आ रहा है, ते नहीं करत ही ग्रह से। सची और सूर्य एक साथ रहने के कारण वो राहु रहते हुए भी नहीं आ पा रहा है। सारंग नयन, सारंग कहते हैं हिरण को, मृगा को। तो प्रिया जी का नेत्र कैसा है तो सारंग नयन, मृग नयन, मृगा का नयन बड़ा बड़ा नेत्र होता है। तो किशोरी जी का नेत्र बड़ा बड़ा सारंग नयन। अब उसी समय वो नायिका बोल दी, बोली तो कैसा लगा, तो बयन पूरी सारंग, सारंग नयन है, मृग नयनी है, और बयन भी सारंग जैसा। सारंग कहते हैं कोयल को, सारंग कोयल का गिर, लेकिन बोली तो ऐसा लगा कि पिक बयनी, कोयल जैसा बोल रही है।
असारंगत सुसमधान, सारंग कामदेव का भी नाम। कामदेव अपने बाण लेकर के उस रूप पर संधान कर रहा है। सारंग ऊपर उगल दस सारंग, मुख चंद्र के ऊपर हजारों सारंग है, फिर सारंग कहते हैं केशवास। सारंग केली करथि मधुपाने, वह केश भी वह सारंग प्रिया जी के मुख चंद्र का पान करना चाहते हैं। भनई विद्यापति सन भर जौवती, एहन जगत नहीं आने। विशाखा सखी कह रही है कि ऐसा आज तक विधाता के सृष्टि में कोई प्रकट नहीं हुआ था, एहन जगत नहीं आने। इस रूप का वर्णन जब प्यारे श्याम सुंदर सुने तो श्याम सुंदर आकर के पूछते हैं कि अरे अपूर्व माधुर्य के रूप तुम किसका वर्णन कर रहे हैं, इतना सुंदर रूप किसका वर्णन कर रही है। तो वो कहती है कि अरे इसके चक्कर में तुम क्यों पढ़ रहा है, किसी का वर्णन कर। ये सखा सखी कहती है इसके चक्कर में तुम क्यों पढ़ रहे, तो तूने मेरे सामने वर्णन ही क्यों किया। श्याम सुंदर कह रहे हैं लगता है सखी तुझको बताने में डर लगता है, डर किसका, तुम बताओ तो सही किसका रूप वर्णन किया है, कौन है वो तुम बताओ। तो तभी विशाखा सखी नहीं बता रही, तो प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कोई दोष नहीं लगे, कोई पाप नहीं लगे, बताओ तो सही किसका है, कौन है ऐसा रूप। तो विशाखा सभी कहती हैं खबरदार तुम हमसे मत पूछो। तो भगवान प्यारे श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके ऊपर ताली बजा करके भरे, पता चल गया मुझे तुम किसका वर्णन कर रही है, हमको पता चल गया, मिल गया, परिचय हो गया। तुम नहीं बोलोगी तब भी मुझको पता चल गया। तो विशाखा सखी कहती है कि परिचय से तुम्हें क्या लेना देना, हम किसी का बड़े परिचय सुनकर तुझको क्या मिले। तो प्यारी तो प्यारे श्याम सुंदर कहेंगे कि क्या करूं, उस जिस नायिका का तुम वर्णन की है उससे एक गुप्त बात करना है, कोई रहस्यपूर्ण बात करनी है। तो विशाखा कही जाओ जाओ जाओ, बात क्या करोगे, तुम्हारा स्वभाव उसके स्वभाव में आकाश पताल का अंतर है, तुमसे उसका तो कभी मिल हो नहीं सकता, तो क्या बात करो। तो श्याम सुंदर कहे कि क्या स्वभाव में अंतर है, बताओ तो सही क्या स्वभाव। तो विशाखा सखी कहती हैं कि तुम लंपट हो और वो पतिव्रत, तुम चंचल हो और प्रिया जी अति धीर गंभीर, तुम धर्म कर्म विहीन हो और प्रिया जी हमेशा देवता देवी की पूजा में लगी रहती, सूर्य पूजा इत्यादि करती यादि में रहती, तुम ठहरे असूची, न जाने किसके किसके खा लेते हो, सबरी के खा लेते हो, जटाई को खा लेते हो, जहां जाओगे वहां जूठा कट्ठा, तो उसको ज्ञान नहीं है। तुम तो मधुमंगल के मुंह में अंगुली डाल कर भी उसका आचार निकाल करके खा लेते हो, तुम्हारा धर्म कर्म तो कोई है नहीं। और हमारी प्रिया जी है नित्य त्रिकाल स्नान करती हैं, देवता देवी की पूजन करती हैं, बड़ा पवित्र वस्त्र पहनती हैं। यह सुनकर के प्यारे श्याम सुंदर कहने लगे अरे विशाखे तुझको पता नहीं है, तुम हमारी बात मत विश्वास करो, गोपाल तापनी उपनिषद पढ़ लो जाकर, उसमें लिखा गया है मैं ही एक जगत में नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं और कोई ब्रह्मचारी नहीं। तुझको यदि विश्वास नहीं तो दुर्वासा ऋषि प्रमाण, गोपाल तापनी उपनिषद में एक बार निकुंज में प्यारे श्याम सुंदर लेट पहुंचे तो प्रिया जी पूछी कि लेट क्यों हो गया, पूछी इतना लेट क्यों हो गया।
तो प्यारे श्याम सुंदर कहे क्या करूं, मैं तो आ ही रहा था तब तक हमारे गुरु जी आ गए और गुरु जी की सेवा पूजा में देरी हो गई। अरे तुम्हारा गुरु जी कौन है, कौन कहाँ आए हैं, कहाँ धुंधा पार में है, क्या नाम है? तुमका नाम है दुर्गा। अरे तुम्हारे तब तो हम लोग गुरु जी की सेवा पूजा करेंगे। तो सब गोपियां अपने हाथ में भोजन का बहुत प्रकार के व्यंजन लेकर के गुरु जी की सेवा के लिए चले। तो भयंकर जमुना प्यारे श्याम सुंदर से पूछी कि अरे कैसे जाए, जमुना में तो बहुत बाढ़ है, पानी है, कैसे जाए? तो श्री कृष्ण कहे कि लो मैं एक मंत्र बता दे, केवल तुम केवल इतना ही कहना, यदि कृष्ण बाल जति जमुना मार्गम दे, यदि कृष्ण जीवन में नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो ये जमुना तुम रास्ता दे दो। तो इस मंत्र को पढ़ते ही जमुना बिल्कुल सूख गई, गोपियां चली और जा करके दुर्गाशा जी की खूब सेवा पूजा की, खिलाई जितना लाई थी, 56 भोग, 3600 व्यंजन, हजारों हजारों मन जो भी लाई थी सब सुहागा। और खा करके जब पूजा करके जाने लगी तो देखी कि फिर उत्ताल तरंग में जमुना बह रही। तो आई दुर्गाशा जी के पास और पूछी कि अरे हम लोग अब कैसे जाए? पूछे आई थी कैसे? तो उस समय आई थी तो कृष्ण ने एक मंत्र दिया था, उसको पढ़ ही सूख गया, अब पढ़ रही तो काम नहीं कर रहा है, क्या कौन सा मंत्र था? तो गोपिया कहे कि यही मंत्र था, यदि कृष्ण बाल जति जमुना मार्ग में। अच्छा ये मंत्र था, तो तुम जाकर एक और मंत्र पढ़ दे। क्या मंत्र? कि हे जमुने दुर्वासा यदि दूबा छोड़कर कुछ भी न खाता हो तो रास्ता दे दो। तो गोपियां गई और जाकर के कहे कि यदि दुर्वासा जी दूध छोड़कर कुछ न खाते हो तो हे जमुना महारानी रास्ता छोड़। तो इतना जाकर के कही कहते ही जमुना सुख, और गोपियां पार हो गई। और गोपियां जब पार हो गई तो जाकर के कृष्ण से कहे, तू झूठा, तेरे गुरु झूठा और तेरी जमुना झूठी, तुम तो नित्य हम गोपियों के साथ छड़ते रहते हो, रमण करते रहते हो, कहते हो मैं बाल देती हूँ, और हमारे आंख के सामने हजारों टन पूरी खीर मेवा पकवान तुम्हारे गुरु जी टन कर गए और कह रहे हैं कि हम दुआ छोड़कर कुछ नहीं, और तुम्हारी जमुना भी ऐसी, ये तुम्हों का प्रमाण देती है। तो ठाकुर जी कहे कि तुम लोग हे विशाखे, तुझको पता नहीं तो हमारी बात तुम मानेगी नहीं, तुम जाकर गोपाल तापनी कुंज से पढ़ लेना, उसमें लिखा गया है श्री कृष्ण बाल जति, मैं बाल जति, श्रुतियां प्रमाण है, वेद की ऋचाएं कहती।